जब मैं यहाँ आती हूँ ना, तो ये पांचों चीज़ें मेरा शरीर एक साथ ग्रहण करता है। सूरज की रोशनी यानी अग्नि, आकाश के नीचे तो बैठे हैं जो कितना प्यारा नीला नीला आकाश है, देखो हवा तो आ ही रही है ठंडी ठंडी, इतनी मस्त आ रही है। और ये जी कबूतर मरा पड़ा है, तो इसको अंतिम संस्कार करना पड़ेगा भाई, नीचे ले जाके और मिट्टी में दबा देंगे। अभी देखा नहीं ना। सुबह के जी 7:40, हम लोग आ चुके हैं धूप में, हल्की हल्की धूप निकली है, तो सूर्य देवता के दर्शन हो गए। अभी थोड़ी सी देर बैठकर योगा करेंगे, मैं और हस्बैंड आए हैं, बच्चे अभी सो रहे हैं। राम राम जी, कैसे आप सभी? हम जी बढ़िया है, आप सभी का आशीर्वाद, ऊपर वाले की दया है, एकदम बढ़िया है। तो अभी थोड़ी देर बैठेंगे सन देवता के सामने, इधर लेंगे सूरज की रोशनी और थोड़े से योगा वगैरह करेंगे, कम से कम आधा घंटा। तो अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए ये थोड़ा सा टाइम ना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, ये जो सुबह का थोड़ा सा टाइम देते हैं पूरे दिन को अच्छा बना देता है। तो अभी बैठ गए हैं, थोड़ा सा योगा कर लेंगे, और यहाँ की जो खुशी मिलती है ना वो पूरे दिन को अच्छा बनाती है मेरे को। यहाँ आने की खुशी ये है कि देखो हमारा शरीर 5 चीज़ों से मिलकर बना है, अग्नि, वायु, जल और आकाश और पृथ्वी। लेकिन जब मैं यहाँ आती हूँ ना, तो ये पाँचों चीज़ें मेरा शरीर एक साथ ग्रहण करता है। सूरज की रोशनी यानी अग्नि, आकाश के नीचे तो बैठे हैं जो कितना प्यारा नीला नीला आकाश है, देखो हवा तो आ ही रही है ठंडी ठंडी, इतनी मस्त आ रही है। और ये देखो अभी नीचे से जमीन टच कर रही है पैरों को, और जो ये घास है ना इसमें ओस भरी है, सुबह सुबह जैसे रहता है ना तो पानी है, पैर गिल्ले हो रहे हैं थोड़े थोड़े ना। तो अभी मेरी बॉडी ना इधर मैं बैठी हूँ तो ये सारी चीज़ें ग्रहण कर रही है, एक साथ सब मिल रहा है, और इन्हीं चीज़ों से तो हम बने हैं। तो जिन चीज़ों से हम बने हैं वो मेरे को मिल रही है, तो क्या मेरी शरीर मेरा मन अंदर से खुश नहीं होगा? यही खुशी का कारण है कि जब भी मैं धूप में आती हूँ, वैसे खुले में आकर इधर सुबह बैठती हूँ ना, अंदर वाली खुशी मिलती है। तो इस खुशी को ग्रहण करते हैं, अपने दिन को अच्छा बनाते हैं और करते हैं शुरू। सुबह 9:15 जी अभी जग रही है मैडम, तो योशी अभी उठी है और मच्छरदानी उतारी करेगी सर। एक बार वॉशिंग मशीन चला दी है, ये कल एक ही बार धुले, पानी नहीं आ रहा था ना, तो अभी फिर से चलाइए एक बार। और एक बार के कपड़े देखो, ये और पड़े इनके कराटे वगैरह के, और चल रही है गीता का शास्त्र चल रहा है। मन को थोड़ा शांति देते हैं, थोड़ा सा सांसारिक मोह से अलग होते हैं। ये बच्चा खा रहा है एप्पल, और जी आज ने काम शुरू कर दिया सुबह सुबह। एक तो ये बड़े बड़े बर्तन, इनकी जरूरत तो पड़ती नहीं, तो इनको बॉक्स वगैरह में रखवा रही हूँ, क्योंकि जगह भीड़ कर रहे हैं। ये मेरा कल की इमली डली रखी, इसमें देखो कैसा कलर हो गया है, कल डाली थी कि पानी भरूंगी, पानी ही नहीं आया, तो आज भरती हूँ। अभी आ रहा है तो अभी पहले तो इसमें ही भरूंगी, क्योंकि पानी नहीं है पीने का, तो उसमें धोऊंगी फिर रखना, तो सीधा इसमें भर लेती हूँ। मटके में चला दिया है, और ये हेयर पैक लगा रही हूँ योशी को, ये कर रही हूँ, पानी वाला काम करते हैं झटझट, क्योंकि पानी का आवाज़ वही लग रहा है कि कोई भरोसा नहीं है। और आज बन रहे हैं दही, ये तो दही है, दही बड़े बनेंगे, तो मैंने कल रात को दाल भिगो दी थी। दही बड़े इसलिए बना रही थी क्योंकि ना दही ज़्यादा हो गया था, कल खाया नहीं दिन में, तो ये हरी वाली जो मूंग दाल है ना उसके बना रही हूँ। ये ना काफ़ी हल्के होते हैं, जुड़द वाली दाल के बनाते हैं ना वो दाल बहुत हैवी होती है, और वो ना हजम करने में मतलब थोड़ा भारी हो जाते हैं वो, तो ये हरी मूंग के वो जो बनाते हैं ना ये लाइट रहते हैं, मतलब जल्दी हजम हो जाते हैं। तो मैंने ये वाली दाल रात को भिगोई थी, सुबह इसको ग्राइंड कर दिया है, अब इसको थोड़ा सा रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा फर्मेंट हो जाए। तो इसके लिए और इमली की चटनी बनाऊंगी, ये गर्म पानी में मैंने इमली भिगो दी है। तो मतलब काम बहुत ज़्यादा है, ये हेयर पैक लगाना है, ब्रेकफास्ट कुछ किया नहीं है। निशु तो एप्पल खा रही है, निशु एप्पल खा रही है, देखते हैं थोड़े बहुत लड्डू बचे हैं, मतलब खत्म बराबर ही है थोड़ा बहुत है। अगर आज का काम चलेगा या तो लड्डू खाएंगे फिर फ्रूट्स का, क्योंकि तो बनाने का तो अभी वही है कि ऐसी चीज़ें ही खाएंगे, और काम करते हैं उस काम में ज़्यादा है, फिर बताती हूँ क्या क्या किया है। और साथ में जी काम करते करते चल रहा है गीता का सार, कुछ दिनों से सुन रहे हैं, कुछ अध्याय सुन लिए, कुछ बातें समझ में आई, कुछ नहीं आई है, कभी ध्यान दिया कभी कहीं पर ध्यान नहीं था, कुछ काम पर ध्यान था, तो धीरे धीरे थोड़ा सा कुछ तो जान ही रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो और जानेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, कुछ अच्छा होगा वो ज़रूर। तो अभी करते हैं काम शुरू। सुबह के 10:10, ये जो सुबह का ब्रेकफास्ट है, एक तो पानी आ गया इसलिए लेट हो गए हैं, क्योंकि पहले पानी का काम करने लगे, कपड़े वपड़े पीने का भरना था, बहुत सब काम पता है पानी से ही होता है। और दूसरा रात को हैवी किया था, तो सोचा थोड़े लेट करते हैं, और बस यही है सुबह का ब्रेकफास्ट। अभी रोटी कोई भूख लगे कि नहीं, जैसे एप्पल खा ली, किसी का मन करेगा कुछ और खा लेगा, नहीं फिर दो पैर में ही बनाऊंगे अभी दही बड़े, तो अभी अच्छे से पेट भर करके ही खाते हैं। सुबह के 10:30 जी ब्रेकफास्ट हो गया, पेट अभी फिलहाल पूरा भर गया, आज ऐसे लग रहा है कि जो पानी है ना ये हमारा काम जल्दी करा देगा, क्योंकि सब लोग काम पे लगे पड़े हैं। तो पानी मटके भरते हैं, पीने का सबसे जरूरी था, एक बार कपड़े धोते हैं, इनको सुखाती हूँ, दूसरे डालती हूँ, और आज ना साथ साथ में सफाई का भी काम थोड़ा सा चला है बीच बीच में, तो सब ये झड़का वड़का दिया आज, सब इधर से क्लीन व्लीन किया है थोड़ा सा। और एक बात ये है कि ना
ये जी अभी पढ़ाई करने बैठ गई, इसके बालों में मैंने पुताई कर दी है, इसके में भी कर दी है और दूसरी को भी दिखाती हूँ। ये देखो फिर से बनाइए तेरा मुंह, फिर से बनाइए तेरा मुंह, ये डरावनी लगे जी। ये इसके बालों में भी पुताई कर दी है मैंने, दोनों के बालों में लगा दिया, एक पैक लगाया है। तो अभी थोड़ी देर में इनको नहाए धोएंगे, ये बाल तो मुझे धोने पड़ेंगे, योशी का भी हेयर वॉश तो करना पड़ेगा और इसका तो नहलाना भी करना पड़ेगा। तो अभी बस ये तो लेके बैठ गई अपना काम, थोड़ा झाड़ू पोछा किया, इन्होंने ही किया है, योशी ने लगाई झाड़ू और निशु ने लगा दिया है पोछा। आज बहुत काम किया ना निशु, निशु थक गई, थक गई, बहुत काम किया जी। अभी मैं भी कुछ काम कर रही हूँ इधर ना, एक ऊपर ना देखो टंकी रखी है पानी की ना, तो इसका पानी आता है बाथरूम में इधर अंदर ना, ये जो गीजर वाला बाथरूम है जैसे दो है तो ये गीजर वाला बाथरूम है ना, इसमें आता है इसका पानी, जब ऊपर छत पे है वैसे बड़ी टंकी उसका खत्म हो जाता था, तो इसके ऊपर ना इधर ना कबूतर आते हैं, कबूतर इधर बहुत ज्यादा है, तो उधर ऊपर एक कबूतर आके मतलब बहुत सारा ना घर बना रखा, वो इधर ही बैठते हैं, अंडे भी पीछे से भी देखे थे कुछ दिन पहले, आज फिर से देखा कि चलो एक बार इसको देखते हैं कि कैसे, तो ऊपर देखा ना तो अंडे भी रखे हैं, एक कबूतर मरा पड़ा है, तो अभी उसको सफाई करनी है, बीट बीट ना बहुत कबूतर की पोटी वोटी पड़ी है, तो वो सब क्लीन करना है अभी। तो ये देखो क्या कलर है, इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा तब साफ होगा, तभी ऊपर चढ़ गई, अभी ऊपर का दिखाती हूँ कैसा है, क्योंकि यहाँ से तो मुझे भी नहीं दिख रहा। ये देखो कुर्सी पे तो मुझे देखती चढ़ूंगी, ये देखो ऐसा हाल हो रहा है इधर, ये जी कबूतर मरा पड़ा है, तो इसको अंतिम संस्कार करना पड़ेगा भाई, नीचे ले जाके और मिट्टी में दबा देंगे, अभी देखा नहीं ना मैं, हर दिन थोड़ी चढ़ के देखेंगे ऐसी जगह है, तो कई दिन पहले ही इसको क्लीन किया था, इसमें ना बहुत बीट वीट हो जाती है क्योंकि आते रहते हैं ना कबूतर, तब क्लीन किया था, तो आज ऐसे ही सोचे चलो क्लीन कर देते हैं, तो देखो अंडे भी है, पता नहीं भी कैसे मरा ये कैसे नहीं ना, तो अभी इसको क्लीन करते हैं, कबूतर को दबा के आएंगे मिट्टी में और ये सब साफ करते हैं। ये देखो जी पता नहीं क्या क्या काट दिया, ये स्विमिंग का था, ये किसकी ना चड्डी थी स्विमिंग की, तो ये तो पुरानी हो गई वैसे भी, अरे तो कुछ काम आ जाती है, लेके सीजर और काट दिया पूरा, अरे ये क्या किस लिए ले रही है, ये अपना बोर्ड साफ करने, और कुछ कपड़ा नहीं मिला बेटा इसको काटने, और कटे फटे और पड़े होंगे, हाँ ये सीजर काट दी होगी, कैसे लगी है, ये कर दिया जी, ये काम करने लग रही है, कर दिया काम, सीजर को रख दे लग जाएगी, और कुछ काटे ना तो मम्मा से पूछ लिया करो बेटा, ये मम्मा काटे कि नहीं काटे, अरे योशी को बहुत पढ़ाई याद आ रही है, ये अपना इसका जी कुछ काम चल रहा है, राइटिंग का काम कर रहा है, हाँ और ये देखो टंकी साफ हुई नहीं है अभी, अरे तो ना मतलब इतना काम बिखर गया ना घर में बहुत ज्यादा, ये बाथरूम की हालत देख लो, क्या बाथरूम की हालत हो गई, इधर नीचे भी बहुत गंदा हो रहा है, अरे ऊपर ना पाइप लगा के छोड़ दिया, इसने इसको खाली किया है टंकी को ना, खाली अंदर बहुत भीड़ भीड़ पड़ी थी, तो अभी थोड़ा बाकी वो निकल जाएगा, फिर स्वच्छ से वॉश करके फिर दोबारा पानी भरेंगे, तो पाइप लगा दी थी तो निकल गया, इसका पानी बहुत गंदा हो रहा है देखो नीचे, और इसके आने जाने के चक्कर में पूरी पूरा बाथरूम ये सब क्लीन हो गया, पोछा वोछा भी फिर से लगे तो ऐसे ही पैरों से आ जा रहे हैं, पूरा गंदा हो रहा है, सफाई का काम हो रहा है, और सफाई का काम हो रहा है, तो योशी बस कुछ थोड़ा मोड़ा झाड़ू पोछा किया अपना कर दिया, ऐसे मोटा मोटा ये फिर से करना पड़ेगा जी सारा, एक दो कमरे का किया, अभी ये किताब लेके बैठ गई है कि मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ, और ये भी पढ़ाई कर रही है, दोनों बहनें पढ़ाई का बहाना करके काम से बचने के लिए बैठ चुकी हैं कि हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन फिर से चल रही है, आज मेरा भी काम पहुंचा रहा है, कैसा मोह रहा है, मैं तो सच बताऊं, मतलब इसमें देखो ना फोन में, अभी फोन इधर हो तभी देख लीजिए मुँह कैसा हो रहा है बंदर जैसा, ये देखो काम बहुत है, बीटरूट लगाया था मैंने, बीटरूट काटा था तो मैं सोची उसको लगा लेते हैं उसका रस, तो ज्यादा ही यूं कर लिया, अब मिरर को कुछ था ना, हम हमेशा मिरर थोड़ी ऐसे ही लीप लिए, हो गया कोई बात नहीं, तो ये देखो जी काम आज ना मतलब कई चीज होगा, ये तो सॉस खत्म हो गया था, अगली बार सोच रही मैं सॉस बनाऊंगी, इसमें टमाटर ज्यादा ना वो मिर्ची ज्यादा डालूंगी, ताकि बहने ना थोड़ा कम खाए, खा के जल्दी खत्म कर देती है, अभी पीछे से बनाया था आप लोगों से शेयर भी किया था, तो सॉस बन रहा है, ये इधर बना रही हूँ जूस, क्योंकि कल तो बनानी, तो नीचे मैंने बीटरूट डाल दिया है, ऊपर ये पालक है, पुदीना है, करी पत्ता है, इसमें थोड़े और डालूंगी, इसको पहले ग्राइंड करूंगी, और ये खीरा और डालूंगी, तो ये जूस बना रही हूँ, जूस लेंगे फिर भाई लंच का टाइम हो जाएगा, निशु के लिए स्ट्रॉबेरी निकाल दी है, वो खाएगी तो वही ज्यादा खाते पसंद करती है, और साथ में देखो सॉस भी बनाना, दही बड़े बना रही हूँ ना, ये इसमें दही रखा है, दही बड़े बना रही हूँ, तो दही बड़े के लिए तीनों चीजें, तीनों जो चटनी है, सॉस बनेगा, धनिया की भी बनानी है, वो भी नहीं बनाई है मैंने, ये इधर निकाल के रख दिया है, पुदीना पालक है और धनिया फ्रिज में रखा है, तो हरी वाली भी बनेगी, सॉस भी बनेगा और इमली वाली चटनी, तीनों चटनियां बनानी है, फिर दही बड़े बनाने हैं, तो काम आज बहुत ज्यादा है, दूध गर्म करना है बीच में, तो अभी मैं बना रही हूँ जूस, उसमें पालक तो मैंने डाल दी, बाकी ये रखी इसको भी डालूंगी और फिर इसको बनाऊंगी, ये देखो ये बीटरूट छिल रहा था ना, मैंने इधर ही छिल रहा था, इसी को लगा लिया था मैंने, लग रहा है ऐसे ना, ऐसे ऐसे लिप लिया, तो साइडों में भी लग गया, अभी इसको डाल लूंगी, ये लग गया, तो काम बहुत ज्यादा है, सबसे पहले अभी सॉस जैसे रख दिया ना, धीरे धीरे थोड़े टमाटर ये बॉयल होंगे ना, तब तक जूस बनाते हैं, जूस पीते हैं, फिर साथ में इमली वाला, इमली की चटनी, और बीच बीच में मतलब ये सब काम करना है, तो काम बहुत ज्यादा है, और काम करते हुए ना मेरे से बोलना कम जाए कि मतलब मैं काम करती रहूँ, फोन को मैं रख दूँ, मैं करती रहूँ ना, तो इसलिए आपने देखा होगा थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि फिर ध्यान सारा काम पे लगाना पड़ता है, नहीं तो बोलने के चक्कर में रहूंगी तो मेरा काम नहीं हो पाएगा, तो वो काम करती हूँ फिर दिखाती हूँ कैसा क्या क्या बनाए,
ये देखो जी हमारे घर पे नई मछलियाँ और आ गई। एक ये दूसरे किस कलर की? ब्लैक। ब्लैक तो यही है, दूसरे ब्लैक है तो इसकी आंखें भी अलग है। दो बार देते हैं हम दिन में। ये जी आज हमारी जूस पार्टी हो रही है बच्चों का, वो देख लो कितना अच्छा है। चलो भाई चेयर्स करेंगे, चेयर्स चेयर्स आप पियो। ये और निशु को देख लो जी, निशु को अटक देने से हंस मत, कितना अच्छा जूस है। निशु तो कभी नाक बंद कर रही है, कभी मुंह कर रही है, जीभ निकाल रही है, पीना है। बहुत टेस्टी है ना निशु? नहीं। बच्चों को बोलो कि बच्चों पियो, देखो मैं भी जूस पीती हूँ, बच्चा देख रहा होता है वीडियो, देखो बोलो, बोल दो। नहीं बोल रही ऐसे बोल रही नहीं, ये देखो इसका टेस्टी है, हेल्दी होना चाहिए ना सब चीज। तो टेस्टी वैसे इसका कोई टेस्ट खराब नहीं है, नींबू है अच्छा। ये और सी जान बुझ जाए नाक बंद कर दी, कभी नहीं करती आज नाक बंद किया, कभी नहीं किया, बाहर जब भी तो नाक बंद करता। पापा ने भी तो छोड़ा है, तो सब पियेंगे ना, पापा भी पियेंगे, आप भी पियो, मेरा नहीं सोचा पीते हैं जी जूस पीते हैं। आज बना है जी दही बड़ा, सुबह से काम कर करके सब बना बना के बिल्कुल पागलों वाला हाल हो रहा है ना, तो नहाना हुआ है और सूरत देख लो कितनी खूबसूरत हो रही है। और बस मैं इसकी पकड़ी नहीं, पानी फिर चला गया बिल्कुल नहीं आ रहा। तो आज ये सभी चीजें बनाई, ये बनाई चटनी भी बनाई, इमली वाली चटनी भी बनाई, सॉस भी खत्म हो गया था, सॉस भी बनाया, सब चीजें बनाई, इसलिए ना टाइम लग गया बहुत ज्यादा। अभी बज चुके हैं 2:30 हो गए, अभी खाना खाते हैं। शाम के 3:40 जिस सब सामान ऐसे बखेर रखा ना, मतलब मेरा पूरा घर ना ऐसे हो रहा है कि जैसे दिवाली की सफाई चल रही हो ना, बाहर के भी कमरे ऐसे हो रहे हैं, ये भी सब ऐसे पता नहीं क्या क्या बखेर रखा है सब। और थक चुकी हूँ, किचन में बहुत देर खड़े रहने का काम था, सब बनाया बनाया ना, ऊपर से पानी भी नहीं आ रहा, तो नहा के थोड़ा फ्रेश भी नहीं है, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा किचन में, बस थोड़ा सा पड़ा है टब में, तो टब भेजो, नहीं तो पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। अभी खाना खाया, दही बड़े बनाए थे, वो खाना खाया, वो भी बर्तन रखे हैं, तो पता नहीं अभी कब आएगा। 2 दिन से पानी है ऐसे, मतलब पूरे दिन की बैंड बजा रहा है ना, बिल्कुल नहीं आ रहा है यार, पानी ही नहीं आए तो मतलब बहुत परेशानी हो रही है। नहाना हुआ ना, मुंह सुबह उठी तब मुंह धोया, उसके बाद मुंह भी नहीं धोया है, आया था बीच में, लेकिन उस टाइम में सोचिए आएगा भाई रहता है, वो काम कर रहे थे, पानी का काम था, कल भी नहीं हुआ, ये सब देख रहे थे खाना खाने के बाद मूवी, उन्होंने खाना खा रहे थे तभी आज मूवी लगा ली थी साउथ इंडियन, तो मैं तब तक तो देखी खाना खाया, उसके बाद मैं तो अंदर आ गई क्योंकि फोन का काम करना था मुझे थोड़ा सा वीडियो वगैरह का, और बस थोड़ा सा थक गई, सोऊं तो नहीं, थोड़ा फोन का ही काम करती हूँ, और मतलब थोड़ा आराम करती हूँ, और बाद में चाय पीएंगे क्योंकि खाना भी थोड़ी देर पहले खाया है, तो 5 बजे से चाय बनाएंगे, अभी तक खाना हजम हो जाता है, थोड़ी देर करते हैं आराम। शाम के 7 बजे आज तो जी पूरा घर में कह रही ना बिल्कुल ऐसे हो रहा है कि जैसे दिवाली की सफाई चल रही है, कपड़े देखो पानी के चक्कर में हो रहा है, पोछा नहीं लगा, बस बच्चों ने थोड़ा बहुत लगाया था ऐसे ही, वो मस्ती के चक्कर में वो लगाया था, बाथरूम भी क्लीन नहीं हुए, ऐसे ही पड़े क्योंकि पानी। और अभी 7 बजे आया है, अभी 7 बजकर हो गई है 15 मिनट, तो ये लगा बस 15 मिनट हुई है, मशीन सुबह कपड़े चलाए थे वो रह गए थे ऐसे ही बीच में, तो अभी चलाइए तो अभी कपड़े धुलेंगे, ना सुबह से नहाना हुआ उठी थी तभी मुँह धोया था, अभी नहाऊंगी, पहले कपड़े रखती हूँ, थोड़े से बचे हैं फोल्ड करने, और बच्चों के कपड़े प्रेस प्रेस करने, कल स्कूल जाना है, तो ये काम करते। खाने का कुछ नहीं खाऊंगी मेरा क्योंकि बहुत हैवी खा लिया था, और हस्बैंड भी मना कर रहे हैं, बच्चे बोल रही थी ओट्स, योशी बोल रही थी हलवा, तो इनमें से एक चीज़ बनाऊंगी उनके लिए, जो दोनों खा लेंगे, थोड़ा बहुत भी छोड़ेंगी तो अभी क्या, फिर फेंकने करेंगे तो फिर खा लेंगे, तो देखते हैं, मतलब ऐसा ही कुछ बनाना है बाकी, बस ये थोड़ा घर थोड़ा ठीक करना है, क्योंकि पूरा अभी थोड़ा बहुत करूँ क्योंकि वही फिर सुबह फिर से करना है, तो जो मेन है जैसे बेड वगैरह थोड़ा सा ठीक करते हैं, और बस ये काम करते हैं, फिर बच्चों के लिए कुछ बनाएंगे खाएंगे, और वही नहाती हूँ, पहले नहाई नहीं हूँ ऐसे लग रहा है, और बस अभी नहाऊंगी, अभी फेस वॉश हो जाएगा, अभी सब कर लूँगी, फिर थोड़ी कोई करेगा, अभी सोएंगे टाइम से, कल स्कूल जाना है भाई, थोड़ा जल्दी उठना रहेगा, संडे था तो आराम से उठ गए थे, तो आज के लोगों को ख़त्म करते हैं। 2 दिन हो गए पानी ने ना ऐसा, मतलब पूरा जो 2 दिन से ना पूरे दिनों को बेकार कर दिया है, पानी के चक्कर में कितना ये रहता है, ये करना वो करना है, कुछ नहीं होता है, 2 दिन हो गए ऐसे, अभी कल पता नहीं कैसा रहेगा, तो बस आज भी ऐसा कुछ नहीं कर पाई, उसी के बारे में हेयर पैक लगाए थे, वो एक वीडियो बनाई थी, और बाकी तो कुछ हुआ ही नहीं, बस इसके चक्कर में नहाना भी देखो नहीं हुआ है। आज के ब्लॉग को खत्म करते हैं, पसंद आया लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना, अपना प्यार आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, क्योंकि इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप सभी को शुभ रात्रि, राम राम जी।